For more updates, don't forget to like, subscribe and share my channel and press the bell icon. Hello friends, welcome back to my channel. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बेबी के लिए, जैसे कि मैंने प्रोटीन में बेबी को क्या देना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या देना चाहिए, सीरियल्स में क्या देना चाहिए, तो मैं मंथ वाइज करके मैं सोची कि एक चार्ट बनाऊँ और वो आपके साथ शेयर करूँ, तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक जो चार्ट बनाई हूँ, मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि ये चार्ट आप लोगों के साथ भी शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर स्पेसिफिक वे में दिख जाएगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स में कौन से मंथ में आप क्या क्या दे सकते हैं। एक तो डाइट चार्ट जो 6 to 7 मंथ 7 to 8 मंथ का, ऐसा मैंने बिल्कुल अलग ही प्रिपेयर किया, बट ये एज अ होल चार्ट मैं सोची कि आपको बताऊँ। तो अब आपके स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखेगा और मैं आपको बताऊँगी कि उसमें से क्या क्या आप दे सकते हैं। तो अब जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि 6 to 8 मंथ का मैंने जो बनाया है, जैसे कि आप वेजीज में क्या दे सकते हैं, वेजी का जो मैंने बनाया है, जैसे आप कैरेट दे सकते हैं, पोटैटो दे सकते हैं, पम्पकिन दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो दे सकते हैं। तो 6 मंथ में जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने वेजी का बिल्कुल अलग बनाया कि वेजीज में आप ये सब चीज़ दे सकते हैं। अब 6 to 8 मंथ में जैसे आपके फ्रूट्स में आप क्या दे सकते हैं, फ्रूट्स में आप बनाना को मैश करके दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, पपाया दे सकते हैं, मैंगो दे सकते हैं। अब आते हैं 6 to 8 मंथ के डेयरी प्रोडक्ट्स में। डेयरी प्रोडक्ट में आप मोस्टली कर्ड जरूर, डेफिनेटली 6 to 8 मंथ में जब भी बेबी रहता है तो आपको कर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला यही आपको देना है, काउ मिल्क आपको इंट्रोड्यूस अभी नहीं करना है। सीरियल की बात करें तो आप राइस दे सकते हैं, ओट्स दे सकते हैं, रागी दे सकते हैं, घर का बना सीरियल दे सकते हैं, जैसा कि राइस दाल का पाउडर बना लिया, उसका मिक्सचर बना लिया, उसको पानी के साथ घोल के या दूध के साथ अगर मन है तो वैसे भी आप घोल के उसको दे सकते हैं। प्रोटीन में आप 6 to 8 मंथ में देख रहे होंगे कि मूंग दाल मैंने लिखा है, मूंग दाल का पानी आप बना के दे सकते हैं। स्पाइसेस में आप टर्मरिक दीजिए, जीरा दीजिए, अजवाइन दीजिए, ये सब चीज़ आप शेयर कर सकते हैं, बेबी को दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अभी 6 to 8 मंथ में नहीं देना है, इतना जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं करना है, क्योंकि अभी अभी सॉलिड फूड स्टार्ट हुआ है तो बेबी को डाइजेशन इशू हो सकती है, तो अभी नहीं दीजिए। अवॉइड क्या क्या करना है वो आप देख रहे होंगे, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, हनी हो गया, काउ मिल्क हो गया, ये सब नहीं देना है। लिक्विड में आप बिल्कुल वाटर, आप 6 मंथ से आप वाटर इंट्रोड्यूस कर देंगे, वाटर दीजिए, होम मेड जूस बना के दे सकते हैं, राइस वाटर दीजिए, कोकोनट वाटर दीजिए। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक चार्ट ही बनाई हूँ कि 6 to 8 मंथ में क्या क्या आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेबी को, तो मैंने सोचा कि एक बिल्कुल प्रॉपर चार्ट ईच मंथ का और वेजी फ्रूट्स डेयरी का बनाऊं और वो आपको शेयर करूं। अब मैं बताती हूँ कि बेबी जब 8 to 10 मंथ में रहे तब क्या क्या देना चाहिए। अब वो आपके स्क्रीन पे अब आपके दिख रहा होगा 6 to 8 मंथ का। वेजी में आप कैबेज इंक्लूड कर सकते हैं, स्पिनच दे सकते हैं, स्पिनच को आप बिल्कुल बॉयल करके उसका प्यूरी फॉर्म में भी दे सकते हैं, ब्रोकली दे सकते हैं, जुकीनी दे सकते हैं, बीट रूट दे सकते हैं, बीट रूट भी बहुत अच्छा हेल्दी रहता है, ब्लड वगैरह के लिए बीट रूट डॉक्टर भी बोलते हैं देने को, तो उसका आप जूस भी दे सकते हैं, प्यूरी बना के दे सकते हैं। फ्रूट में आप मेलन दे सकते हैं, ब्लूबेरी दे सकते हैं, पोमग्रेनेट दे सकते हैं, पोमग्रेनेट का जूस दे सकते हैं, पोमग्रेनेट को थोड़ा मैश करके हल्का थोड़ा दबा के आप दे सकते हैं बेबी को। डेयरी प्रोडक्ट्स में 8 to 10 मंथ में बेबी को आप चीज़ दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं और ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे भी आपको कोई भी तरह से काउ मिल्क या बफेलो मिल्क इंक्लूड नहीं करना है बेबी को। सीरियल में जैसे आप आटा देंगे, सूजी बना का कुछ भी आप खीर भी बना दीजिए, सूजी का आप उपमा बना दीजिए, पोहा आप दे सकते हैं, व्हीट क्रैक दलिया भी आप दे सकते हैं। आटा का मतलब रोटी, चपाती, रोटी हो गया, पराठे हो गए, सॉफ्ट पराठे, तो आप नॉर्मल जो व्हीट आती है उसका आटा का आप बना के दे सकते हैं।
दाल में आप मसूर दाल आप इंक्लूड कर सकते हैं। स्पाइसेस में जहाँ तक हो अब आप सब कुछ दीजिए, बट जो आपको अवॉइड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब आपके स्क्रीन पे जो अवॉइड करना है ड्राई फ्रूट्स और लिक्विड अब आपको दिखेगा। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स अब आप जब बेबी आपका एक टू टेन मंथ में है तब आप क्या क्या देंगे, आलमंड दे सकते हैं, वॉलनट दीजिए, कैश्यू दीजिए, पिस्ता दीजिए, उसका पाउडर बना के आप दे सकते हैं। बहुत गर्मी हो तब आप इसको इंक्लूड मत करिए, बट अगर विंटर है तब आप डेफिनेटली उसके सीरियल में मिला दीजिए। ओट्स बना रहे हैं तो ओट्स में मिला दीजिए। एवॉइड जो जो आपको करना है सेम है आपका, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, हनी हो गया, काउ मिल्क हो गया, ये सब आपको लिक्विड में हर तरह से वाटर तो देना ही है और हर तरह का जूस भी आप दे सकते हैं। अब मैं बताऊं कि जैसा कि मैंने 8 to 10 मंथ का बताया, अब मैं 12 मंथ का बताऊंगी। 12 मंथ एंड एबव में आप क्या क्या दे सकते हैं, तो अब आपके स्क्रीन पे 12 मंथ का दिख रहा होगा। 12 मंथ में आप वेजीज में आप जितने तरह के वेजीज हैं वह आप इंक्लूड करिए, बेबी को इंट्रोड्यूस करिए अच्छे से। जितना जल्दी जल्दी अब उसको इंट्रोड्यूस करेंगे उतना जल्दी बेबी भी अडॉप्ट करेगा। अगर आप सोचेंगे कि ये नहीं खिलाओ वो नहीं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम तक ये फिर अगर आप नहीं खिलाएंगे तो ये बच्चे की हैबिट बन जाएगी और वो फिर बच्चा लाइक नहीं करेगा। तो 12 मंथ बहुत मैच्योर इनफ होता है बच्चा कि अब सब कुछ खाए, तो तब से जो भी आप अपने लिए बना रहे हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रूट में आप सब कुछ दे सकते हैं। अगर फर्स्ट बर्थडे बेबी का निकल गया है तो आप डेयरी प्रोडक्ट में आप काउ मिल्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर्मूला से आप स्विच कर दीजिए, आप काउ मिल्क, होल मिल्क, फुल फैट क्रीम का मिल्क दीजिए। सीरियल्स में आप कॉर्नफ्लेक्स दे सकते हैं। पास्ता कभी अगर मन है बेबी को तो वो आप बना के शाम को दे सकते हैं। प्रोटीन में आप टोफू इंक्लूड करिए, एग योल्क दीजिए, फिश दीजिए, चिकन दीजिए, ये सब आप दे सकते हैं। स्पाइसेस में भी आप सारा कुछ दीजिए इसमें। अब मैं बात करती हूँ ड्राई फ्रूट्स में। ड्राई फ्रूट्स में अब आपको अब 12 मंथ एवब होने पे अब आपको पीनट्स इंक्लूड कर देना है। पीनट बटर हो गया या पीनट्स जो उपमा वगैरह में डाल के पीनट हम लोग खाते हैं वो भी आप दे सकते हैं। उससे पहले बोला जाता है इसलिए नहीं देने वो, क्योंकि बहुत बेबीज़ को पीनट से एलर्जी हो रखी होती है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाए और उस वक्त फिर बेबी को फिर रैशेज हो जाए और फिर स्टमक पेन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, लूज मोशन हो। तो किसी भी तरह से एलर्जी को अवॉइड करने के लिए 12 मंथ में आप इंक्लूड कीजिए पीनट्स को। अवॉइड आपको जंक फूड करना है, बाहर का जितना हो फूड अभी इंट्रोड्यूस मत करिए बेबी को। लिक्विड में तरह का लिक्विड दे सकते हैं। तो ये मैंने जो एक चार्ट शेयर किया है कि कौन कौन से मंथ में क्या क्या आप अलग अलग इंक्लूड कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक प्रॉपर मैं चार्ट बना के आपको बताऊं। वैसे तो मैं 6 to 7 months सारे मंथ का अलग डाइट चार्ट में बना के आपको शेयर कर रही हूँ, बट इसका मैंने बिल्कुल एक प्रॉपर पूरा चार्ट बनाया। इसमें से आप कोई भी चीज़ पिक करके कभी भी आप बेबी को उस मंथ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बस ये सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।